हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपीटी क्वेश्चन में। तो दोस्तों, चौधरी चंद विश्वविद्यालय की तरफ से आज की न्यू अपडेट देख सकते हैं आप, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने हैं एमएड बीपीएड और एमपीएड के, तो उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के। किस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, कुछ स्टेपों पर। लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए आपको किस तरह अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलते हैं, आपको चलना है सीधा ऑफिसियल साइट पर जो सी यूनिवर्सिटी की दी गई है। जिसने साइड जैसे आप आएंगे दोस्तों, ये अपने एडमिट कार्ड अपने फ़ोन से या लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आने के बाद आपको नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, तो आपको दिखाई देगा ये एग्जामिनेशन सेक्शन। तो इस पर सब आने के बाद नीचे ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट में एग्जामिनेशन फॉर्म, जो क्लिक करेंगे जल्दीबाजी ना करें, आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देगा, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे एमपीड वाले, यहाँ देख सकते हैं एमपीड वाले ये लिवाइज होता है दोस्तों। एमपीएड ये लिवाइज होता है, मेन एग्ज़ाम जो होते हैं इसके, यहाँ देख सकते हैं आप जूम करो थोड़ा सा, एमपीएड सेकंड सेमेस्टर और इसके नीचे दिया हुआ है एमएड सेकंड सेमेस्टर, यानी कि दोनों के लिंक एक्टिव हो गए हैं। और तो किस तरह आपको एडमिट कार्ड अब डाउन करना है, तो ऑप्शन सामने आपके दिए गए हैं, देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो दिया गया है आपको, ये एडमिट कार्ड डाउन करने का दिया गया है। तो हम डाउन करेंगे आपका एम एड का, ये दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे एम एड डॉट पे, ये नई साइड पर आपके ले जाएगा। तो आप जैसे इंटरफेस पे आएंगे तो सिंपली क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगा गेट एडमिट कार्ड डाउन करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपको फ़ोन नंबर डालना है। जब आपने फॉर्म भरते वक्त आप जो फॉर्म है वो आपको नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा एमएड सेकंड ईयर का, सेकंड सेमेस्टर सॉरी। तो आपको यहाँ पर डाल लिया डेट ऑफ बर्थ, डाल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ किस तरह डालनी है आप देख सकते हैं, इन्हें बताया गया है। पहले आपको ईयर डालनी है, ईयर के बाद आपको मंथ डालना है, उसके बाद आपको दिन डालने हैं, यानी डे दे गए हैं, उल्टी तरह से डालना है आपको, सीधे नहीं डालना है, बिना हैज के, बिना कॉमा के, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपके डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि डाउनलोड पहले किया हुआ है। तो हम दिखा देता हूँ एडमिट कार्ड आपका कैसे दिखाई देगा। तो सिंपली जैसे डाउनलोड कर लेंगे आप अपना, तो पीडीएफ के तौर पर आप यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपकी पीडीएफ डाउनलोड होगी तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे रात कोने में, आपको दिख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड में ऑप्शन पहुँच जाएगा, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड का दोस्तों ऐसे इंटरफेस सामने आ जाएगा, ये कुछ डिटेल आपकी हाइड की हुई है, तो इस माध्यम से आपका डिटेल शो करेगा, उसमें जो डिटेल आपकी यहाँ डिटेल शो करने लग जाएगी। तो इस तरह अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी आज का दोस्तों आज का आपके लिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।